दोस्तों, भारतीय गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड का कमर तोड़ते हुए न्यूजीलैंड को महज 108 रन पर ऑल आउट कर दिया। और कौन से गेंदबाजों का क्या प्रदर्शन रहा, बताएंगे सब कुछ इस वीडियो में। उससे पहले आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके लिए आज का लाइक टारगेट 2000 है, जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा मुकाबला रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में खेला जा रहा है, जिसमें भारत ने टॉस जीतकर न्यूजीलैंड को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। लेकिन न्यूजीलैंड के बल्लेबाज कुछ और ही मूड में थे और अपना विकेट जल्दी जल्दी गंवाते चले गए, और पूरी पारी 108 रन का स्कोर पर सिमट गई। जी हां दोस्तों, भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और कप्तान रोहित शर्मा के फैसले को गेंदबाजों ने सही साबित किया। अनुभवी गेंदबाज मोहम्मद शमी ने पारी का पहला ओवर में ही पांचवी गेंद पर ओपनर फिन एलन को क्लीन बोल्ड कर तहलका मचा दिया। उसके बाद बल्लेबाजी करने आए हेनरी निकोलस को मोहम्मद सिराज ने स्लिप में गिल के हाथों कैच करवा दिया। वहीं नंबर चार पर बल्लेबाजी करने आए डैरिल मिशेल को शमी ने कॉटन बोल्ड आउट किया, और न्यूजीलैंड का स्कोर 9 रन पर 3 विकेट हो चुका था और 10 ओवर भी हो चुके थे। पूरी टीम संकट में आ चुकी थी। फिर अगले ओवर में डेविन कैनवे को हार्दिक पांड्या ने अपनी ही गेंद पर डाइव मार कर कैच किया। उसके बाद कप्तान टॉम लेथन भी कुछ खास नहीं कर पाए और 8 का स्कोर पर शार्दुल ठाकुर का शिकार बन गए। वहीं ग्लेन फिलिप ने 36, पिछले मैच के हीरो ब्रैसवेल ने 22 रन, मिशेल सैंडर का 27 रन और फर्गुसन 1 रन, टिकनर 2 रन ही बना पाए। न्यूजीलैंड के 7 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छुपाए। भारत की तरफ से गेंदबाजी में मोहम्मद शमी ने 6 ओवर में 1 मेडन 18 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। मोहम्मद सिराज ने 6 ओवर में 1 मेडन के साथ 10 रन देकर 1 विकेट। वहीं शार्दुल ठाकुर ने 6 ओवर में 26 रन देकर 1 विकेट हासिल किया। हार्दिक पांड्या ने किफायती गेंदबाजी करते हुए 6 ओवर में 3 मेडन के साथ 16 रन देकर 2 बड़े विकेट हासिल किए। कुलदीप यादव ने 7.3 ओवर में 29 रन खर्च करके 1 विकेट हासिल किया। वहीं ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर ने 3 ओवर में 1 मेडन के साथ 7 रन देकर 2 विकेट झटके और पूरी पारी 34.3 ओवर में 108 रन पर समेट कर रख दी। धन्यवाद।